नवजीवन अकादमी नूनुड़ी पाथरडी धनबाद, यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th झारखंड बोर्ड, NIOS, CBSE बोर्ड आदि आर्ट्स कॉमर्स एवं साइंस तीनों स्ट्रीम की कक्षाएं प्रदान की जाती है। यहाँ ग्रेजुएशन की क्लासेस के तहत BBM के यू धनबाद के पाठ्यक्रम के अनुरूप BCOM, BA एंड BSc के कोर एवं जनरल विषय भी पढ़ाए जाते हैं। CTET, JTET, UGC NET, रेलवे, बैंकिंग, SSC आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी क्लासेस होती है। स्पोकन इंग्लिश के विशेष कक्षाएं चलती है। इसके अलावा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम एवं मोटिवेशन क्लासेस भी कराया जाता है। सभी कक्षाएं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ली जाती है। हमारा संपर्क सूत्र है 9031126668 और 7979096305। महुदा महाविद्यालय महुदा में शिक्षक व अन्य विभाग से बहाली करके महाविद्यालय और जैक के नियमों का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। बहाली को जल्द से जल्द निरस्त करने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता सह महुदा के छात्र नेता अध्यक्ष भोला प्रमाणिक ने एक आवेदन प्रचार महोदय को देते हुए कहा है कि जैक के विरोध बहाल किए गए शिक्षकों का व अन्य विभाग को निरस्त करने के संबंध में महुदा महाविद्यालय महुदा में बीते दिनों पठन पाठन के लिए कुछ नए टीचिंग स्टाफ जैसे शिक्षकों की नियुक्ति की बात प्रकाश में आई है। उन्होंने आगे आवेदन में कहा कि बहाल किए गए महाविद्यालय के वैसे शिक्षकों को जैक नियमावली के तहत सार्वजनिक प्रस्तावना जीवी समिति का और सूचना का अभाव है। ज्ञात होता है कि महाविद्यालय प्रबंधन इस प्रक्रिया में तमाम नियम कायदे की अवहेलना करते हुए अवैध बहाली का कार्य किया है। निवेदन करते हुए कहा कि उक्त तमाम प्रक्रियाओं को रद्द कर बहाल किए गए हैं शिक्षकों की आगामी एक सप्ताह के अंदर निरस्त करने की कृपया करेंगे। ऐसा नहीं करने पर महाविद्यालय छात्र संगठन अभिभावक आपके विरोध में आंदोलन की दिशा तय करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता भोला प्रमाणिक ने आवेदन की प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद, उपायुक्त, शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार और जैक झारखंड को प्रतिलिपि देकर इसे निरस्त करने की मांग की है। मानदेय जो निर्णय करेगा हमारे जो है कमेटी जो हमारा शासी निकाय है उस हिसाब से हम लोगों ने 4-5 हज़ार रुपया उनका भाड़ा देंगे। अभी आने जाने का भाड़ा देंगे, उन लोगों को बता दिया गया है। नहीं, पैकेट से क्यों जाएगा? कॉलेज में पढ़ाएगा तो पैकेट से जाएगा, कॉलेज का पैसा दिया जाएगा, ये नियम भी है। क्या हाँ, तो मानदेय नहीं देंगे। जब वो आएगा तो भाड़ा लेकर के भाड़ा मैंने जो अपने गाड़ी में यदि आएगा तो क्या अपना पॉकेट से लगा के इतना सेवा करेगा क्या? हम उसको हेल्प नहीं कर सकते हैं क्या? कॉलेज के फंड से हेल्प नहीं कर सकते हैं? अगर हम अस्थाई प्रोफेसर बहाल करेंगे तो उनको हम देंगे ना मानदेय, उनको देंगे ना वेतन? तो उसी हिसाब से अभी अस्थाई रूप से इनको रखा गया है। वो तो एक सिस्टम आ जाएगा सर। कोई छात्र संघ नहीं है, इंटर में कोई छात्र संघ नहीं होता। ये जबरदस्ती जो कोई कहे जो हम छात्र संघ का अध्यक्ष हैं, छात्र संघ है, तो ये हम कैसे माने? अभी तक तो कहीं नहीं छात्र संघ हम लोग को मिला जो कोई छात्र संघ यहाँ है भी, हम लोग नहीं जानते हैं कोई छात्र संघ है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा, हम अब उसको देखते हैं क्या हम लोग बात कर सकते हैं। बीच में ये भी सुनने में आया सर कि कॉलेज यूनियन भी इस मामले को लेकर आपसे जवाब मांगा था, इसपे क्या? ऐसा कोई बात नहीं। और सर अभी अभी एक जैसे अभी आए थे आप, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आपको सपोज किया गया है इस पर कि आप प्रमाण पत्र या कुछ भी डॉक्यूमेंट जो है आप जिला, ये प्रिंसिपल तो शायद आपको बता चुके हैं जो उनको जानकारी में नहीं था, अभी तुरंत आदमी भेज करके मंगा लेंगे कि उनको भेज रहे हैं। लिखित रूप से हुआ है जितने भी बाली लिखित रूप से फाइल में है? लिखित रूप से हाँ, जो फाइल देखना चाहते हैं देख सकते हैं। क्या बात है, सारा प्रमाण है? हाँ सब है, हम रखे हैं जो बहुत पहले सेवा इधर उधर दे चुके थे उनको देख करके ही रखे हैं, ये दे सकते हैं, हमारे यहाँ मदद कर सकते हैं पठन पाठन में। एक मामला चल रहा है कि प्रोफेसरों की बहाली और अन्य विभाग में बहाल जो हुआ है, और ठीक है ना, तो ये बहाल जो है आपका लिखित रूप में हुआ है कि मौखिक रूप में हुआ है? देखिए सर, जैसा कि मुझे जो जानकारी अवगत कराया गया था कि विद्यालय चलाने में अभी कठिनाई हो रही है और शासी निकाय का बैठक अभी असंभव जैसा प्रतीत हो रहा है, तो विद्यालय में पठन पाठन में अवरोध पैदा ना हो इसलिए कुछ क्षेत्रों के ही बुद्धिजीवी वर्ग के जो
शिक्षा में योगदान कहीं ना कहीं दे रहे थे उसके प्रमाण पत्र को देखकर अभी कुछ समय के लिए तात्कालिक सेवा उनसे लिया जा रहा है ना। फिर जैसे ही जेक का निर्देश होगा, शासी निकाय का बैठक होगा, नियमावली आउट होगी, उसके बाद नियमतः जो भी निर्णय लेगा उस कमेटी में ये बच्चे भी आएंगे, ये शिक्षक भी आएंगे और नए शिक्षक भी आएंगे। अब शिक्षक के जो चयनित टीम होगा वो टीम निर्णय करेगी कि अब इस यह यहाँ रहने योग्य है अथवा नहीं है। इसलिए अभी जो बहाली शब्द यूज हो रहा है ये बहाली भी नहीं है, उनसे सेवा ली जा रही है कुछ समयों के लिए, तात्कालिक सेवा।